दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं न्यूज जिमाक। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ, आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रमोट करके आप कमाल की अर्निंग कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अर्निंग प्रूफ भी। तो अगर आपको नहीं पता आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताया था क्लिक बैंक है क्या। देखिए क्लिक बैंक एक एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पर काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करके सेल आउट करते हैं तो आपको मिलती है वहां पर डायरेक्टली कमीशन। आप डायरेक्टली कमीशन के थ्रू आप क्लिक बैंक पे अर्निंग कर सकते हैं और आपकी जो अर्निंग है वो सबसे पहले आएगी क्लिक बैंक के अकाउंट में। जो मिनिमम पे आउट है क्लिक बैंक पर वो है $50। जैसे आपके क्लिक बैंक पर $50 हो जाते हैं आप उन्हें ट्रांसफर करा सकते हैं डायरेक्टली अपने पेपल अकाउंट से। देखिए काफी सारे मेथड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ पेड्स हैं कुछ फ्री हैं। क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को काफी तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि बिंग एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट और भी काफी सारे पे टूल्स हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक भेज के अपने प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, आप ईमेल के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप वेबसाइट के जरिए आप किसी भी क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक बैंक पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको उसके रिलेटेड एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी पड़ती है। वेबसाइट पर प्रॉपर SEO करना पड़ता है, प्रॉपर बैकलिंक्स आपको बताने पड़ते हैं ताकि वो गूगल में, बिंग में या फिर वो किसी भी सर्च इंजन में प्रॉपरली रैंक हो जाए और आपको जो ट्रैफिक मिले आपकी वेबसाइट पर वो मिले 100% ऑर्गेनिक, 100% यूनिक। तो उससे होगा क्या, आपको यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं चलानी है, आपका डेली बेसिस पे ट्रैफिक आता रहेगा और आपकी ऑटोमेटिकली सेल होती रहेंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको अपने लैपटॉप में, सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टली आर्टिकल की तरफ। आप सभी के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट के जरिए आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो इस आर्टिकल को एक बार आप जरूर रीड करें। इस आर्टिकल का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली आप क्लिक बैंक पे जाएं, वहां पर आप लॉग इन करें अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड से। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ अपने क्लिक बैंक के अकाउंट में। तो जैसे ही आप अपने क्लिक बैंक के अकाउंट में आते हैं जो सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको चूज करना है प्रोडक्ट जो कि आप प्रमोट करना चाहते हैं। उसे चूज करने के लिए आप नॉर्मली यहाँ पर मार्केट प्लेस पर क्लिक करें। ओके तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हैं। चलिए इस केस में मैं ले लेता हूँ कुकिंग फूड एंड वाइन। तो आप देख सकते हैं काफी सारे प्रोडक्ट रिलेटेड आ चुके हैं कुकिंग फूड और वाइन से। और आप देख सकते हैं जो पहला प्रोडक्ट है अगर आप उसे प्रमोट करेंगे जो आपकी कमीशन बनेगी वो बनेगी $11.72 पर सेल। और आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी, जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 100 से ज्यादा आप ग्रेविटी लें क्योंकि आपको वेबसाइट पे प्रमोट करना है। वेबसाइट पे आपको प्रॉपर SEO करना है तो ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जो एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा वो है रेकरिंग बिलिंग। आप देख सकते हैं ये वाला लोगो यहाँ पर अवेलेबल है, बट फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का लोगो अवेलेबल नहीं है। इस लोगो का मतलब है रेकरिंग बिलिंग, अगर आप इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे तो जो आपकी कमीशन बनेगी वो कोई $17.78 पर सेल नहीं होगी। हमेशा जिस भी प्रोडक्ट में रेकरिंग बिलिंग का लोगो होता है तो उस पे जो कमीशन होती है वो हमेशा कम होती है। तो स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करूंगा आप सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिनमें रेकरिंग बिलिंग का लोगो नहीं है। तो सपोज अगर आप इस वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट को एक बार देख लें कि इस वेबसाइट में कोई पॉपअप तो नहीं है। तो ये है फाइनल वेबसाइट, आप देख सकते हैं काफी प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पर बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखें वेबसाइट में कोई पॉपअप तो ओपन नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज आपको देखनी है जो बायर, जो एक्चुअल बायर का प्राइस पड़ रहा है वो कितना पड़ने वाला है। तो बायर को जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा $12.95 और जो आपकी कमीशन बन रही है वो बन रही है $11.72। तो आप कह सकते हैं काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी अच्छी कमीशन भी आपको यहाँ पर मिल रही है। इस केस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना एक प्रोडक्ट जो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ एक वेबसाइट के जरिए। तो डायरेक्टली चलते हैं क्लिक बैंक की तरफ और सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम है एंजीमा, ECZEMA, चलिए सर्च कर लेते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट है जो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ प्रोडक्ट की। तो आप देख सकते हैं काफी प्रोफेशनल वेबसाइट है यहाँ पर,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पॉपअप ओपन नहीं हो रहा है, और आपको देखना है ऐड टू चार्ट का बटन। तो जो बायर यहाँ पर पे करेगा अमाउंट, वो पे करेगा 29.97 डॉलर, और जो मेरी कमीशन बनेगी वो बनेगी 17.93 डॉलर। और यहाँ पर कोई रेकरिंग का लोगो भी अवेलेबल नहीं है, और आप कह सकते हैं ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तो जैसे ही आप वेबसाइट में आएंगे, अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने लिए लिंक जनरेट करना पड़ेगा। लिंक कैसे जनरेट करते हैं, काफी सिंपल है। आपको नॉर्मली प्रमोट पे क्लिक करना है, प्रमोट पर क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मली क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो इस लिंक को अब आपको करना है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट। अगर इस लिंक के थ्रू कोई पर्सन प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो आपकी बनेगी कमीशन। और एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके नीचे एफिलिएट का ऑप्शन होगा तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए एफिलिएट के अंदर के ऑप्शन में बेस्ट पार्ट ये है, आपको यहाँ पर सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो सपोज अगर आप इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करना चाह रहे हैं, एफिलिएट में बेस्ट पार्ट ये है, आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, आप नॉर्मली आर्टिकल्स पर क्लिक करें, इन आर्टिकल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं प्रॉपर आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक आर्टिकल को मैं यहाँ पर आपके लिए ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है, जो जो कीवर्ड्स इस आर्टिकल में है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको नॉर्मली इस आर्टिकल को पब्लिश करना है अपनी वेबसाइट में। जो आपका मेन काम अब रह गया है वो है बैकलिंक्स को लेके। देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने नॉर्मली क्लिक बैंक में गए हैं, अभी तक हमने चूज किया है प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का हमने बनाया है लिंक। उस लिंक को अब आपको करना है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी वेबसाइट जो कि एंजीमा से ही रिलेटेड है और वो बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। वो आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट है जो कि मैंने बनाई हुई है एंजीमा प्रोडक्ट को लेके। जो यहाँ पर मेरा मेन कीवर्ड है वो है एंजीमा ट्रीटमेंट, और जो यहाँ पर मैंने डोमेन लिया हुआ है वो लिया हुआ है एंजीमा ट्रीटमेंट PDF.com। और आप देख सकते हैं सिंगल पेज की वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोई क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे एफिलिएट के लिंक पर पहुंच जाएगा। और अगर इस लिंक के थ्रू कोई इंसान प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो मेरी बनेगी डायरेक्टली कमीशन। देखिए आपको सिंगल पेज की वेबसाइट ही सिर्फ बनानी है, आपको यहाँ पर कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं। आर्टिकल्स जो आपको एफिलिएट में मिल रहे हैं आप उन्हीं आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल कॉपी और पेस्ट का काम है। मैं आपको एक आर्टिकल यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल पब्लिश करने हैं, आपको सिंगल पेज की वेबसाइट बनानी है, और आपको यहाँ पर निकालने हैं मेन कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आप गूगल में रैंक कराना चाह रहे हैं। उसके बाद आप बनाएं बैकलिंक्स, आप अपनी वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाएं और आपकी वेबसाइट प्रॉपरली गूगल में, बिंग में या फिर किसी भी सर्च इंजन में रैंक हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता बैकलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं वेबसाइट के लिए, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके रिलेटेड मैंने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक करें। तो दोस्तों ये एक बेसिकली सिंपल सा मेथड है जिसके जरिए आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को आप आसानी से वेबसाइट के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। जो मेन चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ही ध्यान में रखनी है SEO, आप अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर SEO करें और आप अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर बैकलिंक्स बनाएं, ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी गूगल में, बिंग में या फिर किसी भी सर्च इंजन में प्रॉपरली रैंक हो जाए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लिक बैंक की अर्निंग प्रूफ। तो अर्निंग के लिए नॉर्मली रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे डॉलर बने हुए हैं वो बने हुए 47.01 डॉलर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफी सिंपल सा मेथड है। अगर आप क्लिक बैंक के थ्रू आप अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट बनाकर क्लिक बैंक पे अच्छी खासी कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर। जरा सोच के देखो, अगर इस तरह की आपके पास 50 वेबसाइट्स हैं और 50 वेबसाइट में से लगभग 10 वेबसाइट ही अगर आपकी गूगल पर रैंक हो रही हैं, तो आपकी वेबसाइट पर 100% ऑर्गेनिक, 100% यूनिक ट्रैफिक आएगा और जो आपके प्रोडक्ट की सेलिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं आपके पास एक ऑटोमेटिकली सिस्टम बन जाएगा। आपको डेली बेसिस पर कुछ भी नहीं करना है, आपको ना अपडेशन करनी है, ना आपको आर्टिकल डालने हैं, बस आपको बैठना है, रिलैक्स करना है और जो आपकी कमीशन होगी वो डेली बेसिस पर फिक्स हो जाएगी। आप इस मेथड को एक बार जरूर ट्राई करें, और ये मेथड कैसा लगा आपको बिल्कुल फ्रीली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह की वीडियो से डेली बेसिस पर अप टू डेट रहें, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय बाय।